हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बची हुई खिचड़ी से वेज चीला बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और इसको कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट ओवर खिचड़ी है, रात की बची हुई खिचड़ी है। तो ये एक कटोरी खिचड़ी है यहाँ पे, और बारीक कटे हुए पत्ता गोभी, एक इंच अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च, एक प्याज, इन सबको मैंने बहुत ही बारीक काट के रख लिया है। बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि खिचड़ी में भी नमक है, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। तो मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा नमक लिया है, दो चुटकी हींग, और एक टेबल स्पून हम नींबू का रस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नींबू ले लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया काट के रख ली है, और बेसन और देसी घी। तो बस इसी इतने सामान से आइए हम वेज चीला बनाते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने खिचड़ी को रख लिया है, नमक डाल देंगे, अदरक, जितनी भी कटी हुई सब्जियां मैंने रखी हैं वो सब हम इस खिचड़ी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और दो टेबल स्पून हम इसमें बेसन मिलाएंगे। और इन सब को हम हाथों से अच्छे से बिल्कुल मैश कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हाथों की हेल्प से इसको सब्जियों को और खिचड़ी को अच्छे से मैश कर लिया है, बिल्कुल सब एकदम मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसमें एक टेबल स्पून नींबू का रस मिला दूँगी। हाफ कटोरी इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इसका हमें बिल्कुल चीले जैसा बैटर बनाना है, तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल चीले जैसा बैटर मैंने इसका तैयार कर लिया है, खिचड़ी और सब्जियों को मिक्स करके। तो अब आइए बनाते हैं फ्रेंड्स चीले। आप इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मैंने खिचड़ी में मसाले ऐड किए थे इसलिए मैं इसको ज़्यादा मसालेदार नहीं बना रही हूँ। आइए बनाते हैं बची हुई खिचड़ी का वेज चीला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, तवा गरम हो गया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे, घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फिर मैं इसमें एक कलछी, तवे के ऊपर एक कलछी बैटर डाल देंगे चीले का। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे फ्रेंड्स। और दोनों साइड से फ्लिप करते हुए इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको एक साइड से पलट दिया है, और ये देखिए आप कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो इसी तरीके से हम इसको दोनों साइड से सेक लेंगे, और इसी तरीके से हम सारे चीले बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक चीला बना के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे चीले बना लूँगी। बहुत ही ज़्यादा लजीज बना हुआ है, और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो जब भी आपके घर में आप खिचड़ी बनाएं बच जाए, तो उसमें बस अपने पसंद की कोई सब्जियाँ मिला के उसको इस तरीके से बनाइए, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए, और आपको कैसे लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।